हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग और डे टू ऑफ कोडाईकनाल। गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और बड़ा ही प्यारी सुबह हुई है यहाँ पे, एकदम माउंटेन्स का व्यू और धूप। अभी फ़िलहाल हम नाश्ता करने जा रहे हैं, मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, जो मस्त सा व्यू आ रहा है। उसके बाद नाश्ता करके बैग पैक करके अपन निकलेंगे घूमने, आज का जो जो हमें घूमना है। ब्रेकफास्ट में मेंदू वड़ा, इडली, डोसा, मैगी, डोसा, पूरी डोसा तो और कॉफ़ी। यार दोस्तों, ब्रेकफास्ट कर लिया था, ब्रेकफास्ट सच में अच्छा था, मेंदू वड़ा, चटनी, सब सबका टेस्ट बढ़िया था। तो मैंगो हिल नाम है यार इस होटल का, अगर बजट से देख रहे हो और खाना वगैरह नाश्ता अगर सप्लीमेंट्री चाहिए तो, और रूम बेसिक सा चल जाएगा एक आध दिन के स्टे के लिए, तो देख सकते हो। बाकी फ़िलहाल हमने अभी चेकआउट कर दिया है। तो सर यहाँ पे पास में एक चेतिया पार्क है, वहाँ पे आए हैं रुकने, होने को तो एक गार्डन ही है लेकिन अच्छा है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जैसा हिल स्टेशन टाइप का व्यू होता है ना ऊपर से वैसे ही, और झूले वगैरह भी हैं वो हम झूल रहे हैं थोड़े बहुत। तो ये जहाँ पे होटल है उसी के पास है आपको, लेकिन लेक से थोड़ा सा दूर पड़ेगा, मैंगो हिल के जस्ट बगल में, लेकिन ये भी एक स्पॉट है जहाँ पे लोग आते हैं। तो यार पहुँच गए मोयर पॉइंट, भाई गजब की भीड़ है यहाँ, बहुत ही ज्यादा भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं। आज संडे और है ना तो सब आए हुए, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा मस्त है यार, और बादल वगैरह नीचे आ गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अभी तक धूप थी लेकिन अब भीड़ देखो, आप मेरे पीछे कितनी भीड़ आई हुई है। तो यार दोस्तों पहुंच गए पाइन फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है इसे, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ पाइन के और जंगल के, हॉर्स राइडिंग, फ़ोटो, ये सब है, खाने पीने का है ही है, लेकिन यार बहुत ही मतलब देखो बढ़िया लगता है, बहुत ज़्यादा डेंस है और पूरा राज वाली फील आ रही है, राज मूवी में जैसे कौन जाता है कहाँ बिल्कुल राज वाली फील आ रही है एकदम, और मूवी में जैसे दिखाए थे ना बस वैसी धूप ही नहीं गिर रही है, तो वो भी रिकॉर्ड करके दिखाता, बिल्कुल यार मज़ा आ गया एकदम, और ठंडक है हल्की हल्की, ऐसा जंगल जैसी फील आ रही है। अगर ये थोड़ा और डेंस हो ना, सामने रोड वोड नहीं हो, बिल्कुल मज़ा आ गया। हम और अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींचेंगे। यार दोस्तों अब आए हैं पिलर रॉक, तो ये जो पीछे रॉक है ये पिलर की शेप का, इसलिए जगह का नाम पिलर रॉक है। तो ये थोड़ा ऐसा जो हिल स्टेशन होता है ना, पॉइंट आपको पूरी वैली दिखती है, वैली व्यू पॉइंट है एक तरीके से, कि आई लव कोडाईकनाल के जो फ्रिज मैग्नेट होते हैं वो भी थे, वो हमने लिए, और एक बड़ी यूनिक चीज़ मिली मिट्टी की चिड़िया सी शेप का, उसके अंदर पानी बहुत, चिड़िया की आवाज़ निकाल दी। भाई दोस्तों यहाँ पे रास्ते में वाटरफॉल भी है एक, शायद पेबल फॉल्स नाम है इसका, तो ये छोटा सा ही है, अगर आप लोगों को ऐसा बैठना हो, पैर वैर भिगोने हो, और पीछे भी जगह है वहाँ पे खाली बैठने के लिए, हम यहीं पे थोड़ी सी जगह है यहाँ पे बैठे हैं, तो ऐसा ठंडी हवा सुकून सा मिलता है। आसपास काफ़ी सारी चॉकलेट फैक्ट्रीज या चॉकलेट के जो शॉप के आउटलेट्स रहते हैं वहाँ हैं, इसके पीछे भी रास्ते में एक मेन फैक्ट्री है जहाँ पे यहाँ जितनी चॉकलेट्स मिलती हैं वो सारी बनती हैं। तो यार अब फाइनली वही लेक के पास आ गए जिसके आसपास सब कुछ था, खाना खाने के लिए आए थे, कुछ देख रहे थे अलग सा, कलजा खाया था पानी, अभी तो हाल फिलहाल वो तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ संडे मार्केट लगा है, संडे है तो पूरा दोनों तरफ स्ट्रीट्स के सब्जियाँ और जो अपना रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती है, किचन की, कपड़े, ये सब दोनों रोड की साइड लग जाता है, पूरी रोड आगे पीछे तक पूरी मेरे पीछे देख पा रहे हैं वहाँ एंड तक, और ऐसे ही पीछे पूरा एंड तक लगा हुआ। अरे यार वहाँ पर जो संडे मार्केट था उससे हमने गजरा लिया। आप जा रहे हैं यार अपने गेस्ट हाउस, मतलब इसके बैंक के गेस्ट हाउस, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलेंगे शाम को रेलवे स्टेशन के लिए, कोडाईकनाल रोड जंक्शन जो अपना है, 2-3 घंटे आप पहुँच जाएंगे। तो यार पहुँच गए गेस्ट हाउस, काफ़ी ज़्यादा मस्त है, बाहर ये लॉन है और पीछे पूरा सिटी का व्यू है,
यहाँ पे ज़्यादा अच्छा व्यू है उससे। अगर ये एक आध दिन की और बुकिंग मिल जाती आज तो केवल अभी एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि सुबह से निकले हुए थे। अगर कल का भी यहाँ स्टे मिल जाता ना, मज़ा आता था। तो यार दोस्तों, पहुंच गए फाइनली कोडाईकनाल रोड रेलवे स्टेशन, और सामान थोड़ा सा अंदर रख दिया। अब हम सामने थोड़ा कुछ देख रहे हैं, अगर हल्का फुल्का खाने पीने को मिल जाए। वैसे तो पेट बहुत भरा हुआ है। तो यार ऐसा था, कोडाईकनाल बेंगलोर से कोडाईकनाल का सफ़र, और यहाँ से यहाँ तक अब तो बस ट्रेन पकड़नी है और वापस जाना है, और कल से फिर वही ऑफिस। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कोडाईकनाल कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरे को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा सकता हो। वो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, दबा के तो सब्सक्राइब करो। अब हम मिलते हैं अगले वक्त में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, ध्यान।